अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है, हर तरफ ये वायरस फैल गया है, और आप सब एहतियात करें, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं भी घर में हूँ, बंद हूँ कोरोना की वजह से, तो मैंने सोचा कि चलें एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन डोनर। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं दही, तो ये 500 ग्राम दही है, तो ये आप तकरीबन सारा डाल लें। अब हमने 500 ग्राम योगर्ट ले लिया, उसमें सबसे पहले सीड्स मिर्चे हैं 1 टेबलस्पून, 1 एंड 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा फुल ना हो, 2 टेबलस्पून दे देंगे। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखी मेथी 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला, सारे मसाले ग्राइंड करके रखा हुआ है, इसमें सब कुछ ग्राइंड करके रखा हुआ है मैंने, ये गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, ये है सोया सॉस 2 टीस्पून, ओलिव ऑयल, आपके पास ओलिव ऑयल है तो आप ओलिव ऑयल डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ये मैंने 1 लेमन ये मैंने इसमें कर लिया है, ये 1 लेमन आपने इसमें डाल देना है। और अब ये मेरा फेवरेट टिक्का बोटी मसाला लजीजा का, अब ये मैं इसमें 1/2 पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मैंने लिया है 1.5 kg चिकन, और इसके मैंने छोटे क्यूब्स करवा लिए हैं, और इस तरह आपने करवाने हैं, ये स्पेस में डाल लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये रोस्ट मसाला है 1 टेबलस्पून रोस्ट मसाला, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, ये ग्राइंड हुई नहीं है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसमें 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट डालें, बाद में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन ग्राइंड हुआ है, ये भी डाल लें। और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग घरों में बंद हैं, तो इसके अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं कि हम घर में बैठ के अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं और साथ आपके साथ शेयर करें। अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं, और उसके बाद इसको गैस पर रख देंगे। मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं।
और हल्की आंच पर इसको रख देते हैं पकने के लिए। 30 मिनट्स हो गए हैं, आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह और आंच हल्की सी तेज़ कर दें। ये देखिए अभी इसमें इस तरह बबल्स आ रहे हैं, अभी इसकी आंच तेज़ कर लें और इसका पानी ड्राई कर लें। आपने सारा पानी ड्राई नहीं करना, इस तरह इसमें पेस्ट रहनी चाहिए और फिर इस पेस्ट में आपने चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा चिकन जो है वो मैश कर लेना है, हल्की आंच कर लें। चिकन डोनर रेडी हो चुका है, ये देखें मैंने इसको हल्का हल्का मैश कर लिया है। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, बर्गर भी बना सकते हैं, इसका रैप भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं ये किस तरह सर्व करूँगी, अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये क्यूकम्बर, टमाटर और प्याज मैंने काट लिया है रैप के अंदर लगाने के लिए, और ये वाले आज मैंने लिए हैं रैप्स। तवा रख लिया है मैंने, गैस ऑन कर ली है और हम रैप को 5 से 10 सेकंड के लिए हल्की आंच पर गरम कर लेंगे। अब हम इसमें ये 3 क्यूकम्बर रख लेते हैं और 2 स्लाइस टमाटर के और ये प्याज। इसमें हम डोनर को अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। आप अगर डोनर को ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी पेस्ट लाइक करती हूँ इसलिए मैंने इस तरह रखा है। और आप इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं और भी कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस तरह अपने चम्मच से ये डोनर डाल लेना है इसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी केचप डालेंगे। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़े फसी हैं, ये केचप या इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करते, तो आप उनके लिए ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं करें। अब हम इसको रैप कर लेते हैं। आपने इसको इस तरह रैप करना है कि साइड से ये बंद हो जाए। इस तरह, और नाइफ की मदद से आपने इसको मिडल से काट लेना है। इस तरह बच्चों के लिए मैं सिर्फ रैप में चिकन डोनर और क्यूकम्बर लगाती हूँ क्योंकि बच्चे बाकी चीज़ें पसंद नहीं करते, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूं। ये देखें चिकन डोनर रैप रेडी हो चुके हैं। इनके साथ मैंने डिफरेंट किस्म की ये सॉस और ये चटनी भी मैंने डाल ली है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपने ये बनानी है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। और इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।